नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीक्वेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। इसी चीज़ को प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्डर टू प्रूफ दिस थ्योरम लेट अ सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेस टू एल, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस mod of a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीक्वेंस कंसिडर करेंगे जो कि कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पर, l पर। चूंकि यह सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, तो हम लोग जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन से क्या क्या जानते हैं कि a n minus l का जो mod है वो epsilon से छोटा होगा सभी n greater than equal to m के लिए। जब हम लोग इस मॉड को ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन माइनस एल इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए एन माइनस एल, यहाँ पर हमें ए एन लाना है, तो ए एन कैसे लाएंगे, जब माइनस एल को हमें इसको रिमूव करेंगे तो कैसे इसको हटा सकते हैं, जब हम लोग प्लस एल इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन माइनस एल प्लस एल इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन माइनस एल प्लस एल कैंसिल, तो यहाँ हो गया एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एन जो है, ठीक है, एन से एक टर्म छोटा है जो कि एल माइनस एप्सिलॉन है, और एन से एक टर्म बड़ा है जो कि एल प्लस एप्सिलॉन है, यानी कि एल माइनस एप्सिलॉन जो है एन के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहा है, और एल प्लस एप्सिलॉन जो है एन के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, लेट के वन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू एल माइनस एप्सिलॉन, एंड के टू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस सीक्वेंस का जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, के वन होगा, यानी कि लोअर बाउंड का काम करेगा, और इस सीक्वेंस का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा के टू होगा जो कि अपर बाउंड का काम करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा के वन इज लेस देन ए एन एंड ए एन इज लेस देन के टू, यानी कि इस सीक्वेंस में एक लोअर बाउंड भी है और एक अपर बाउंड भी है। और हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे दोस्तों कि किसी भी सीक्वेंस में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सीक्वेंस में यदि लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों रहता है तो वह सीक्वेंस जो है बाउंडेड होता है। देयरफॉर एन इज बाउंडेड, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है वह जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। तो इस चीज को शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सीक्वेंस ए एन इज माइनस वन का पावर एन। ठीक है, हमारा एक सीक्वेंस है माइनस वन का पावर एन। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एन के जगह वन पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वन, फिर एन के जगह टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, फिर माइनस वन, फिर वन, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जब एन के जगह हम लोग ऑड टर्म रखेंगे तो माइनस वन आएगा, और एन के जगह यदि हम लोग इवन टर्म रखेंगे तो प्लस वन आएगा, यानी कि इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वन टू वन। इसलिए यह क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी कि इसमें लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, और जिस सीक्वेंस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों रहता है वह कैसा सीक्वेंस होता है, एक बाउंडेड सीक्वेंस होता है। जब हम लोग इसका लिमिट लेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वन का पावर एन, तो लिमिट जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे दोस्तों
कि किसी भी सीक्वेंस का यदि लिमिट एग्जिस्ट मतलब लिमिट नहीं है मतलब वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है।